अच्छी सेहत के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है संतुलित आहार। अक्सर लोग सुबह खाली पेट भीगे चने खाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार सुबह सुबह भीगे हुए चने खाना सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। इससे आपका खून में तेजी से बढ़ोतरी होने के साथ साथ शरीर भी हष्टपुष्ट रहता है। वैसे खाली पेट चना खाने से फायदे तो अनेक मिलते हैं, लेकिन आप जैसे ही उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं जिसका सहयोग हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता है, तो चने से मिलने वाला फ़ायदा तो मिलता नहीं, साथ ही में आपको दूसरी और समस्या होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए आपको यह जानना बहुत जरूरी भी हो जाता है कि चने खाने के बाद या उनके साथ ऐसे कौन से फूड नहीं खाने जाने चाहिए जिससे हमारे शरीर को नुकसान हो। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही चने के साथ नुकसान पहुंचाने वाले कुछ फूड कॉम्बिनेशन के बारे में बताएंगे, तो यह जानने के लिए यह वीडियो आखिर तक देखते रहे। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। अक्सर लोग चने की चाट को खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि चने खाने के बाद या चने की चाट को खाने के बाद पानी पीने से पेट में दर्द की समस्या हो सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चने को पचाने के लिए हमारे शरीर को तीक्ष्ण जठराग्नि की ज़रूरत होती है, लेकिन जब हम पानी पीते हैं तो यह अग्नि शांत हो जाती है। ऐसे में जब हमारे द्वारा खाया हुआ चना हमारे पेट के अंदर पहुँचता है तो पेट में पहुँचे हुए चने ठीक प्रकार से पच नहीं पाते हैं और उनका पाचन डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए पेट में दर्द होने की समस्या हो जाती है। अक्सर लोग सुबह खाली पेट भीगे हुए चने को खाने के बाद अचार का सेवन करते हैं, पर आपको ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि अचार को गलाने के लिए उसमें सिरका डाला जाता है और इसे चने के बाद खाना मतलब पेट में जहर बनने के बराबर होना। इससे हार्ट की बीमारी भी हो सकती है और कई बार तो हार्ट अटैक भी आ जाता है। इसके अलावा सीने में भी लगातार जलन और दर्द भी बना रहता है, इसलिए चना खाने के बाद अचार कदापि ना खाएं। सुबह भीगे हुए चने खाने के बाद करेले का सेवन भी नहीं करना चाहिए। दरअसल भीगे हुए चने में जो ऑक्साइड पाया जाता है बिल्कुल वही करेले में भी पाया जाता है, लेकिन दोनों में अंतर ये होता है कि भीगे हुए चने में पाए जाने वाला ऑक्साइड लेवल बहुत कम होता है और करेले में पाए जाने वाला ऑक्साइड लेवल उससे ज़्यादा होता है। इसकी वजह से यह हमारे शरीर में जाकर एक दूसरे से मिक्स होकर जहर बना सकता है। इस जहर का रिएक्शन धीरे धीरे होता है और आगे जाके यह गंभीर बीमारी का रूप ले सकता है, इसलिए चना खाने के बाद करेला कदापि ना खाए। अक्सर कुछ लोग खाना खाने के तुरंत बाद चाय पीने की आदत रखते हैं, खास तौर पर सर्दियों में तो हमेशा उन्हें खाने के बाद चाय चाहिए होती है। लेकिन आपको बता दें कि अगर आपने भोजन में चने की सब्जी खाई हुई है तो उसके तुरंत बाद चाय पीना सेहत के लिए कतई अच्छी बात नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि चाय की पत्ती में एसिडिक गुण होते हैं और वो जब चने के प्रोटीन के साथ मिलते हैं तो वो प्रोटीन सख्त हो जाता है, जिस वजह से यह प्रोटीन जल्दी से टूटता नहीं है और बाद में उसे पचाने में भी मुश्किल होती है। इसलिए चाय का सेवन चने खाने के तुरंत बाद कदापि ना करें। पके हुए चने और पके हुए लहसुन को आप एक साथ खा सकते हैं, इससे हमारे शरीर को कोई भी नुकसान नहीं होता है। परंतु कभी भी चना खाने के बाद कच्चे लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से आपको त्वचा और पाचन संबंधित बीमारी को झेलना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चने की तासीर ठंडी होती है और लहसुन की तासीर गर्म होती है। ऐसे में अगर ऐसे दो अलग तासीर वाले फूड्स को एक साथ खाएंगे तो इससे हमारे शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है और पेट को इन चीज़ों को एक साथ पचाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए चना खाने के बाद कच्चा लहसुन कदापि ना खाए। अक्सर लोग जब चने को भिगाते हैं तो उसके साथ थोड़ा नमक भी डाल देते हैं और बाद में इसको खाने के तुरंत बाद दूध पी लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे सोडियम युक्त चने को खाने के बाद दूध पीने से आपको सफ़ेद दाग की बीमारी को झेलना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नमक पे पाए जाने वाला सोडियम और दूध का सेवन अक्सर सफ़ेद दाग का शिकार बना सकता है और आयुर्वेद में भी दूध के साथ सोडियम युक्त प्रोडक्ट्स का सेवन वर्जित माना गया है, इसलिए खाली पेट चना खाकर दूध कदापि ना पिए।
अक्सर भुने हुए चने खाने के बाद अगर आप केला खाते हो तो उससे आपके शरीर को कुछ भी नुकसान नहीं होता है, लेकिन अगर आप उबले हुए चनों के बाद या फिर कच्चे हरे चनों को खाने के बाद केला खाते हो तो उससे आपको कब्ज होने की समस्या रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केले और चने में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। ऐसे में अगर दो हाई कार्बोहाइड्रेट्स वाले फूड्स को अगर आप एक साथ खाएंगे तो वो पचने में ज़्यादा टाइम ले लेगा, इसलिए कभी कभी कब्ज की परेशानी भी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं।